पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की अब भारत की राजनीति में भी एंट्री हो गई है। सीमा हैदर को एनडीए की सहयोगी पार्टी ने सांसद का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, इस पार्टी ने उसे अपना प्रवक्ता नियुक्त करने का भी ऐलान कर दिया है। सचिन के प्यार में चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आने वाली सीमा हैदर सुर्खियों में है। पाकिस्तानी महिला ने एक फिल्म पर साइन किया है, अब जल्द ही वो अभिनेत्री बनने वाली है। इसी बीच अब एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उसे पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने भी आरपीआई के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पार्टी के पदाधिकारियों का दावा है कि सीमा को पार्टी महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जाएगा, साथ ही उनकी बोलने की शैली को देखते हुए पार्टी प्रवक्ता भी बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी ने सीमा हैदर को चुनाव लड़वाने की बात कही है। अब पार्टी को सुरक्षा एजेंसियों की जाँच में सीमा को क्लीन चिट मिलने का इंतजार है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मासूम किशोर ने बताया कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नागरिक है, वो भारत आई है। अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सीमा को क्लीन चिट मिलती है और उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है तो सीमा का पार्टी में स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का बनाया हुआ कानून है कि जिसको भारत की नागरिकता है वो कभी भी चुनाव लड़ सकता है। आरपीआई नेता ने बताया कि अभी तक की जांच में उसके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। अगर भारत की नागरिकता मिल जाती है तो 2024 के चुनाव में उसे टिकट दिया जाएगा, बस शर्त है कि उसको भारत की नागरिकता मिल जाए। सीमा हैदर जिस फिल्म में काम करने वाली है उसके रोल को लेकर जानकारियां सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की रहने वाली महिला फिल्म में रॉ एजेंट बनने जा रही है। फिल्म का नाम ए टेलर मर्डर स्टोरी है। ये राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर बन रही है। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि इस फिल्म के लिए सीमा से ऑडिशन भी लिया जा चुका है, जिसका निर्देशन जयंत सिन्हा और भारत सिंह कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार निर्माता अमित जानी ने सीमा हैदर से मुलाकात की थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।